जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के बारे में, जिससे कि मनुष्य जीवन जीना थोड़ा सरल हो जाता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक भी स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। एक, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है, इसलिए बुरा समय आने पर व्यक्ति को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। नंबर दो, श्री कृष्ण कहते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। सही समय तभी आएगा जब आप उसे बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। नंबर तीन, गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। नंबर चार, श्री कृष्ण का कहना है कभी भी जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नंबर पाँच, अक्सर व्यक्ति उन चीजों को महत्व नहीं देता जो उसे आसानी से मिल जाती हैं। खो देने के बाद ही व्यक्ति को समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। नंबर छह, श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। नंबर सेवन, आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।